धोती पहने नजर आए मोदी के एसपीजी कमांडोज। केरल के गुरुवायूर मंदिर से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर। खबर की शुरुआत करें उससे पहले गौर से देखिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में पीएम नरेंद्र मोदी के आसपास दिख रहे ये लोग आम लोग नहीं बल्कि एसपीजी कमांडोज बताए जा रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है और इसी दावे के साथ कि पीएम के आगे पीछे धोती पहनकर चल रहे ये नौजवान एसपीजी कमांडोज हैं। ये नौजवान वाकई एसपीजी कमांडोज हैं या फिर नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी के इतने करीब चलने की अनुमति एसपीजी कमांडोज के अलावा और किसी को नहीं होती। दावे को सच मानते हुए देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। जैसे कंचन नाम के यूजर ने लिखा, अब देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, मोदी जी युगो युगो तक आपका नाम रहेगा। एक और यूजर ने लिखा, सुरक्षा अति आवश्यक है, गुड जॉब एसपीजी। एक और यूजर ने लिखा, हाँ तो क्या हुआ, प्रोटोकॉल जरूरी है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता भारत। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दावा और इसको लेकर लोग कैसी कैसी राय रख रहे हैं ये तो आपने देख लिया। अब ये वीडियो कहाँ का है और इसके बारे में विस्तार से आपको बता देते हैं। वायरल वीडियो में पीएम मोदी को एसपीजी कमांडोज घेरे हुए दिख रहे हैं। आपने एसपीजी कमांडोज को अक्सर काले चश्मे और काले कपड़े पहने हुए देखा होगा, लेकिन ये अंदाज शायद आप पहली बार देख रहे होंगे और इसीलिए इस रूप की काफी चर्चा हो रही है। ये वीडियो, ये तस्वीरें केरल के गुरुवायूर मंदिर की है जहाँ पर पीएम मुंडू वेष्टी पहनकर पहुंचे थे। दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी ने इस दौरान अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी की बेटी भाग्य सुरेश और दामाद को आशीर्वाद भी दिया, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। पीएम मोदी की सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि वो जहां भी जाते हैं वहीं के रंग में रंग जाते हैं। अब जैसे केरल के गुरुवायूर मंदिर वो पहुंचे तो यहां के परंपरागत कपड़ों में वो नजर आए। पीएम मोदी ने इस मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और फिर शादी समारोह में शरीक हुए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को पीएम मोदी ने खुद वरमाला दी और साथ ही फूलों का गुलदस्ता भी थमाया। इस खास मौके पर नवविवाहित जोड़े ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दौरे की एक एक तस्वीर पर सबकी नजरें टिकी रही, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षित पीएम के एसपीजी कमांडोज ने ही किया। हालांकि एक बार फिर आपसे कह दें कि वाकई धोती पहने ये नौजवान एसपीजी कमांडोज ही थे या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।